है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना। बना लो अपने खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा। पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। क्या हुआ माँ? हाँ तबियत ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ बेटा, चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ। अरे भाग जाएंगे हम, लेकिन हम मुशर्रा भी नहीं है जो इस्तेमाल के चक्कर में अपना ईमान बेच दे, समझे? लेकिन तुम जैसे इंसान के साथ काम करके हम दुनिया का लानत नहीं लेंगे। आज तक सूरज को कभी भी हमने अपने से अलग नहीं किया, बचपन से लेके आज तक सुबह शाम उसका चेहरा देखते आ रहे हैं। और देखो ना कितना समय हो गया, न उसका चेहरा देखा है न उसका आवाज सुना है। सूरज सब ठीक है ना? हाँ भैया सब ठीक है, बिल्कुल परेशान मत। ये लो माँ से बात करो। बेटा जब से तुम गए हो ना घर एकदम से सुना हो गया है। हमें भी आपके खाना यहाँ बिल्कुल अच्छा लगा। क्या बात है प्रधान जी, बड़ी गंभीरता से चिट्ठी पढ़ रहे हैं, कोई विशेष बात है क्या? नहीं मां साहब कुछ खास नहीं, वो विभाग की तरफ से ये चिट्ठी आई। अच्छा। और वो चाहते हैं कि चक्रोड वाला जो पूरा ब्यौरा है वो उन्हें मैं जल्दी से जल्दी दे दूं, ताकि वो वहां से आए और निरीक्षण कर सके। अच्छा अच्छा भाई, ब्लॉक के अधिकारी लोग काम का निरीक्षण तो करेंगे ही, सरकारी काम है ना। चलिए खाइए। अब ये क्या है? अरे प्रधान जी एक बार खाएंगे तो लड़कपन याद ना आ जाना तो कहिएगा। कहिए कैसा लगा? अलग है, तीखा मीठा खट्टा सब स्वाद एक साथ मुंह में बिखर रहे हैं। प्रधान जी बड़ा लुका छिपा के रखना पड़ता है, कहीं किरणिया या उसकी चाची देख लेना तो पता नहीं क्या कर डाले। हाँ याद आया, मसल आपको किरण बिटिया के लिए कोई लड़का मिला? आप ढूंढ रहे हैं ना उसके लिए लड़का? प्रधान जी कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन बिटिया के लिए कोई योग्य लड़का नहीं मिल रहा है, बाकी भगवान की मर्जी। ये बात हुई है सोई जो राम दाजी राखा। गुरु जी अगर किरण बिटिया के लिए कौनो योग्य घर मिल गया इससे बढ़िया और क्या बात है। वैसे कहीं न कहीं केहू से तो भगवान ने किरण बिटिया का जोड़ी तो बना ही होंगे ना। बैठो बैठो राम जी। और बताओ कैसे आना? अब क्या बताएं प्रधान जी, आप तो जानते ही हैं कि आजकल परिवार चलाना कितना मुश्किल हो गया है। हमारा खेती का जमीन तो चक्रोड के हिस्से में चला गया, पैसा कौड़ी बचा नहीं, अब काम सब कैसे करें यह सोच के ना हमारा कपार में दर्द हो जाता है। लेकिन रामलाल तुमको तुम्हारे खेत का मुआवजा तो मिलेगा ना? अरे मुआवजा कब मिलेगा, हम तो गांव के भलाई के लिए आनन फानन में पूरा जमीन एक के बार में दे दिए। रामलाल तुम चिंता मत करो, मैंने विभाग को चिट्ठी लिख दी है, मुआवजा सीधे तुम्हारे बैंक के अकाउंट में आ जाएगा, बस तुम अपना बैंक अकाउंट नंबर मुझे दे। अरे प्रधान जी हम तो ठहरे गरीब किसान आदमी, अब ये बैंक का चक्कर से हमको का मतलब। आप ऐसा कीजिए ना, मुआवजा का पैसा एक के बार हमारा हाथ में रख दीजिए। अरे लेकिन रामलाल आज के जमाने में बैंक में खाता होना बहुत जरूरी है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सभी गांव वालों को अकाउंट खुलवाने के लिए प्रधान जी ने स्वयं कहा था। मास्टर साहब हम लोग तो गरीब आदमी, अब इतना पैसा कहाँ है कि हम लोग बैंक के खाता में पैसा रखेंगे। रामलाल मैंने जनधन योजना के बारे में सविस्तार सब गांव वालों को बताया था, इसके द्वारा तुम अपना बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हो
वो भी बिना किसी रकम। और रामलाल, अगर तुम्हारा बैंक में खाता होगा तो तुम्हें तो फायदा होगा उसका। अच्छा, हम खाता खुलवा लेंगे। लेकिन प्रधान जी, मुआवजा का पैसा जल्दी मिल जाता ना तो अच्छा होता। देखो रामलाल, सरकार की अपनी योजना है, उनके अपने काम करने का तरीका है। मुआवजे का पैसा सीधे तुम्हारे अकाउंट में आएगा और उसके बाद तुम अपनी सुविधा से उसे कहीं भी खर्च कर सकते हो। सरकार की योजना का लाभ सीधा लाभार्थी को मिले, इसीलिए सरकार ने ये योजना शुरू की है। अपनी पहचान से संबंधित कागज लेकर किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक में चले जाइए, वहां पर थोड़ी ही देर में आपका खाता खुल जाएगा। अच्छा, तो इतना आसान काम है ये? हम पता नहीं का अपना दिमाग में का सोच करके बैठे थे, तो हम ना जाते हैं आज ही बैंक में खाता खुलवा लेंगे। हैं? तो ठीक है रामलाल, कल तुम अपने बैंक का अकाउंट नंबर मुझे दे देना। मुझे विभाग को चक्रोड का ब्यौरा देना है, उसके साथ ही तुम्हारे लिए भी चिट्ठी भेज दूंगा। ठीक है प्रधान जी। प्रधान जी, हम कह रहे थे चक्रोड का जो निर्माण हो रहा है ना, उसमें अपना ध्यान रखिएगा। वैसे शिवा बेटा तो सुधर रहा है, लेकिन दूध का जला छाछ फूंक फूंक करके पीता है। अब शौचालय के निर्माण में जितना घटिया दर्जे का माल पहले इस्तेमाल हुआ था, वैसा ही कहीं सड़क के निर्माण में ना। देखो रामलाल, ऐसा है कि गांव के विकास के हर मुद्दे को, हर बात को मैं व्यक्तिगत रूप से देखता हूँ, निरीक्षण करता हूँ। तुम जाओ, अपना बैंक का खाता खुलवाओ। अच्छा तो प्रधान जी, गुरु जी चलते हैं। अच्छा। देखो शिवा बेटा, हमको पता है कि हम तुम्हारा सीधा सीधा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन चारों तरफ से तुमको ऐसा कस के लपेट देंगे ना कि सांस भी लोगे तो हम ही को याद करोगे। फौजी भाई, हम अपनी किसनमा के कहने पर बैंक में खाता खुलवा लिए और उससे हमको फायदा भी हुआ। जब हम किसान लोन के लिए बैंक में गए ना, तो वहाँ हमारा ब्यौरा वहाँ पहले से था और हमको किसान लोन में कोई दिक्कत नहीं थी। अरे गोकुल भाई, सरकार भी आम आवाम के हितों को ध्यान में रख के ही अपनी नीतियाँ बनाती है। जनता का विकास होगा तभी ना देश का विकास होगा। अभी सब का तो हमको पता नहीं था फौजी भाई, अगर हमको पता होता तो किसनमा को काम के लिए शहर नहीं भेजते। आपने तो देखा था ना फौजी भाई, जिस दिन वो गाँव छोड़ के जा रहा था उसका मुंह बिल्कुल सूख गया था। उसको अपने गांव से बहुत लगाव था, खेत खलिहान से, हम सब से। मजबूरी इंसान को काशिंदा बना दे। मजबूरी के आगे अपना घुटना टेक देने से काम नहीं चलता गोकुल भाई। संघर्ष करके मुश्किल हालात को बदल दे, वही सच्चा किसान। अब तुम ही देखो, अपना हालात बदले कि नहीं बदले। खेत को बंजर कहते थे, आज देखो लहा रहा है ना फसल। ये सब धीरज बेटा का उपकार है। सही समय पे सही सलाह दे करके खेत की मिट्टी का जांच करवाया और खेत की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता के अनुसार सलाह दे करके फसल का चुनाव। आज देखो हमारा बंजर मिट्टी ना सोना बन गया। तो फिर अब जल्दी से किसनमा को बुला लो वापस। ऐसे भी बाप के लिए बेटे ना सहारा। हम भी यही सोच रहे थे सूबेदार। अरे राम राम सूबेदार चाचा। अरे आइए। राम राम गोकुल चाचा। और धीरज। अरे कैसे चाचा आप लोग? ठीक ठीक है। आप गोकुल चाचा, इनसे बात हुई कि नहीं आपकी? राम राम धीरज बेटा। राम राम। किसनमा से अभी तक बात नहीं हुई, ठीक के ठाक होगा वो। अच्छा। अरे जब समय मिलेगा तो झट से बतियाएगा ना किसनवा तुमसे। लेकिन धीरज बेटा,
कुदाल उदाल लेके कहाँ जा रहे हैं? हम भी किसान हैं, अपने खेतों में काम करने जा रहे हैं। अरे धीरज बेटा, तुम तो शहर में, ये सब मेहनत मजदूरी का काम तुमसे कैसे होगा? अरे चाचा, बिना मेहनत किए कोई काम थोड़ी होता है। और जब किसान अपने खेतों में जाता है, अपना पसीना बहाता है ना, तभी तो फसल लहलाती है। सुना इस बार आप हल्दी की खेती कर रहे हैं? वो प्रधान जी ने बताया था कि हल्दी की खेती के लिए राय दिया था। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बदल बदल कर खेती करने से ना, खेत की जमीन भी उपजाऊ बनी रहती है। अब की बार किसनवा जो गांव में आएगा ना, अपने पिता की उन्नति देखेगा तो शहर जाने का नाम ही नहीं लेगा। अभी किसनवा की मर्जी पे है सूबेदार जी, हम तो बस यही चाहते हैं कि सलामत रहे, जहाँ उसका मन लगे सुखी से रहे। अब सूरज बेटा को ही देख लो, काम करने के लिए शहर चला गया, और धीरज बेटा को देखो यहाँ खेती बाड़ी में लगा हुआ। अरे गोकुल भाई, अपनी मिट्टी से अलग होना इतना आसान है। देखना आज जिस तरीके से धीरज बेटा जैसे लोग अपने गांव से, जमीन से जुड़कर काम कर रहे हैं, अपनी मिट्टी पर वापस आ रहे हैं, दिन आएगा कि सब के सब अपनी मिट्टी पर वापस आए। अरे ऐसे काहे कर रही हो, सब ठीक हो जाए। और हमारा मन कहता है कि एक दिन सूरज को एहसास होगा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने। मैं भी यही चाहता, क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया है कि जब तक मैं कुछ करके बड़ा आदमी नहीं बन जाता, तब तक गांव वापस नहीं जाऊं। किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। जच रही हो बहुरिया, इसे तुम ही रखो। मौसी, इन सब का क्या फायदा, पहले ही पड़ा हुआ है बहुत सारा। कैसी बातें कर रही हो बहुरिया, ये कोई ऐसा वैसा बिंदी नहीं है, ये सुहागन का बिंदी है। और देखो लगाते ही तुम्हारा चेहरा कैसे निखर गया। अच्छा और बताओ, सूरज से बात हुई? तुम्हें तो उसकी बहुत याद आती होगी ना। वो फोन तो किए थे लेकिन हमसे बात नहीं हो पाया, शायद किसी काम में व्यस्त हो गए होंगे। अरे ऐसा भी क्या व्यस्त होना कि अपनी दुल्हन से बात ही ना कर सके। कि सारे मर्द ना एक जैसे होते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। अब धर्मा को ही देख लो, सारा दिन नशे में पता नहीं कहाँ घूमता रहता है। अगर उसकी एक बात ना मानो तो कैसे ताव दिखाता है। मौसी, पर वो आपके साथ तो है ना। अरे ऐसे काहे कर रही हो, सब ठीक हो जाए। और हमारा मन कहता है कि एक दिन सूरज को एहसास होगा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने। मौसी, अब हम सब वही कर रहे हैं जो वो चाहते थे। माँ चाहती है कि हम घर गृहस्थी संभालें, और हम वही संभाल रहे हैं। पढ़ाई लिखाई को तो हाथ भी नहीं लगा रहे। बस यही तो तुम गलती कर रही हो, अपने सास का ख्याल रखो, अपने पति की सेवा करो, अपनी गृहस्थी संभालो, ये सब तुम्हारा धर्म है। लेकिन अपनी पढ़ाई को रोक कर, ये तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारी योग्यता है। अब का फायदा पढ़ने लिखने का? तुम फायदे की बात कर रही हो बहू। याद है उस दिन किरण बिटिया ने समझाया था कि शिक्षा एक हथियार के समान है जो हम जैसी औरतें अपना शोषण होने से बचा सकती है, पर हम नहीं समझे। पर जब हमने प्रौढ़ शिक्षा जाना शुरू किया तब हमें एहसास हुआ कि शिक्षा तो हमें बहुत पहले ले लेनी चाहिए थी, कम से कम हमारा घर बर्बाद होने से तो बच जाता। मौसी, मेरे आगे पढ़ाई करने से अगर घर में दरार पड़ती तो मेरा ना पढ़ना ही बेहतर होगा। और वैसे भी धीरज भैया चाहते हैं कि मैं आगे पढ़ाई करूं, और इनको इन सब से कोई मतलब ही नहीं है।
हम नहीं चाहते हमारी वजह से दोनों भाइयों के बीच में फूट पड़े। शिक्षा तोड़ने का नहीं जोड़ने का माध्यम, और ये बात तुमसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। अगर तुम ऐसी बातें कहोगी तो ये तो हमसे हजम नहीं होगा। मौसी, ये बात हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन कभी कभी परिवार की खुशहाली के लिए अपनी योग्यता को दबाना उचित होता है। और वैसे भी धीरज भैया को हमारी पढ़ाई को लेकर ना जाने माँ जी से कितना कुछ सुनना पड़ जाता है। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे मना कर देने से धीरज तुमको पढ़ाने का जो जिद लगाए है वो छोड़ देगा? वो तुमको बहुत से ज्यादा अपनी छोटी बहन की नजर से देखता है, और हमने तो देखा है कि कैसे वो छाया को शहर भेजने के लिए सबसे लड़ाई कर रहा था। इसी बात का तो डर लग रहा है मौसी। धीरज भैया आगे पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन माँ जी कभी नहीं चाहेंगी कि इस घर की दहलीज के बाहर मेरा एक कदम भी पड़े। अब तर्क देकर कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन एक बात है, तुम अपनी शिक्षा और योग्यता की तिलांजलि देकर अपने आप को ही नहीं अपनी जैसी उन सभी महिलाओं को नाइंसाफी दे रही हो जो इस रूढ़ीवादी समाज से ऊपर उठकर आगे बढ़ना चाहती है, पर उनके पास मौके ही नहीं है। सच तो आपकी आंखों में साफ साफ दिख रहा है भौजी। आप क्यों कर रही हैं अपने साथ ऐसा? हाँ, आप भी जानती हैं कि आप योग्य हैं। अगर आप पढ़ लिख कर कुछ बन जाती हैं तो आपकी तरफ बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो आपको उम्मीद की किरण से देखती हैं। चलती हूँ भौजी, बस हम तो इतना ही कहेंगे कि इस बारे में एक बार और सोच लेना। विकास के नाम पे जौन संस्कारों का खिलवाड़ हो रहा है। क्या पता माता साहब अपने बच्चों को क्या संस्कार दे। अरे कुछ दिन के बाद विवाह होने वाला। मुझे आशा के बारे में थोड़ा सा बुरा लगता है सोचकर। मिली थी मैं इससे आशा से, अब तो वो आगे पढ़ना भी नहीं चाहती। कई सारे रिश्तों को निभाने की जिम्मेदारी में बेचारी अपने सपनों को तिलांजलि दे रही है। किसके रोके रुका है सवेरा। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा। यार ये कमरा है, शुरू होने से पहले खत्म हो जाता। बस यार इतना गंदा रखता है। आगे क्या सोचा है, कुछ काम हम करना है कि बस ऐसे ही? यार काम करने के लिए तो यहाँ आया हूँ, खूब मेहनत करूंगा, देखना एक दिन बड़ा आदमी। इस शहर में हर कोई ख्वाब लेकर ही आता है, पर कितनों के सपने पूरे हो पाते हैं पता है? लेकिन मेहनत करने से तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है दोस्त। मेहनत तो मजदूर भी करता है, और मेहनत वो भी करता है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, पर दोनों में अंतर है ना। क्या अंतर? ऊंची ऊंची बिल्डिंग में रहने वाले हम क्यों नहीं हो सकते? वो भी तो हमारे जैसे आए होंगे ना शहर में अपने सपनों को पूरा करने के लिए। यही बात मैं तुमको समझाना चाहता हूँ। देखो, हर किसी के सपने पूरे नहीं हो सकते, कुछ लोगों के सपने अधूरे ही रह जाते हैं। देखो दोस्त, जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं कि मेहनत में कुछ ना कुछ कमी जरूर रही होगी। मैं अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा।
मैं पूरी कोशिश करूंगा, खूब मेहनत करूंगा और एक दिन बड़ा आदमी बन के रहूंगा। मेरा दोस्त अगर अपना सपना पूरा कर लेता है, बड़ा आदमी बन जाता है, तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी। लेकिन दोस्त, सपना पूरा करने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, सही योग्यता, सही समय और सही जगह, जब ये तीनों मिल जाते हैं ना, तब जाके सपने पूरे होते हैं। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा दोस्त, लेकिन यूं हार मानकर कभी नहीं बैठूंगा। और तब तक क्या, भूखे पेट भजन न होवे। पता है ना, इस शहर में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है सूरज। तो मुझे ही देख लो, इतने सालों से शहर में रह रहा हूं, पर किराए पे इस कमरे में रहने की औकात है हमारी से। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए। घर पैसे भेजता हूँ, उसके बाद जो कुछ भी बचता है उससे बड़ी मुश्किल से मेरा खुद का गुजारा हो पाता है सूरज। तो मैं भी काम करूंगा दोस्त। मैं यही तो तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम इतने टाइम से शहर में रह रहे हो, हमारे लिए कोई काम ढूंढो। यार यही तो बात है, तुम्हारे लिए काम का इंतजाम कहाँ से कर दूं। हाई स्कूल की पढ़ाई तो हमने साथ में की है, उसके आगे कॉलेज की डिग्री तुम साथ में लाए हो ना। अरे नहीं यार, मुझे तो मालूम है ना यार, ये मेरा पढ़ाई वढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। मेरा तो बस एक ही सपना, कैसे भी करके ना बड़ा आदमी बनना है। इसलिए बस जितनी तुमने पढ़ाई की थी उतनी ही पढ़ाई मैंने की। धीरज भैया तो इतने पढ़े लिखे हैं, विदेश की नौकरी छोड़कर बैठे। धीरज भैया की छोड़ो यार, मेरे लिए कोई काम ढूंढो यार। इस शहर में नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है, तुम डिग्री भी नहीं लाए हो, लेकिन तब तक कोई ना कोई काम धाम तो देखना ही पड़ेगा तुम्हारे लिए, ऐसे खाली बैठने से काम नहीं चलेगा। हाँ यार, मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया है कि जब तक मैं कुछ करके बड़ा आदमी नहीं बन जाता तब तक गांव वापस नहीं आता। अब मैं आखिर क्या करता है? मैंने सूरज को समझाने की बहुत कोशिश। हेलो हेलो, अरे हाँ यार, तुम्हें तो पता है ना कि यार नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। हाँ भाई मुझे पता है, किसी बात का तो डर रहता है, बेचारा बहुत ही भोला है और जिद्दी भी, पता नहीं किस हाल में होगा। अच्छा सुनो शिखा, अब मेरे कुछ रूरल डेवलपमेंट के रिसर्च पेपर्स तुम्हारे पास होंगे, उसे प्लीज डाक से भेज दो ना, मेरा रिसर्च मेरे गांव के डेवलपमेंट के लिए मुझे बहुत काम आएगा। हाँ अच्छा लिसन, अरे यार तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अरे धीरज तुम यहाँ? आप देखा, मैं बाद में कॉल करूँ। अरे तो किरण तुम यहाँ कैसे? अरे भाई मेरा गांव है, अब देश आजाद है तो इंसान सार्वजनिक जगह पे कभी भी कहीं भी जा सकता है। हाँ वो तो है। तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे कोई भूत भूत देख लिए हो। अरे भूत नहीं, वो तुम्हारा भाई है ना शिवा, तो हमेशा नागिन कहता रहता है ना। अरे भाई बहन का तो चलते ही रहता है लड़ाई, तुम्हें तो पता ही है। तुम कहाँ से आ रही हो? मैं मंगरू चाचा के यहाँ गई थी महेश को किताब देने। अब ये देखो चाचा जी का बेटी के लिए प्यार, अब इतनी सारी सब्जी घर ले जाते मेरी हालत तो पस्त हो जाएगी। एक काम करो मुझे दो, मैं पहुंचा दूंगा। अरे राम राम, विकास के नाम पे जौन संस्कारों का खिलवाड़ हो रहा है, अब तो भगवान ही जाने। मुझे आशा के बारे में थोड़ा सा बुरा लगता है सोच के, मिली थी मैं उससे आशा से, अब तो वो आगे पढ़ना भी नहीं चाहती। कई सारे रिश्तों को निभाने की जिम्मेदारी में बेचारी अपने सपनों की तिलांजलि दे रही है। और एक महाराज है हमारा रजवा, पता नहीं वो ब्याह करेंगे भी या नहीं। भगवान माँ, ये मेरा किताब है, तो क्या तेरी किताब का आचार डालूं और कौन सा पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाओगी? अबे बैठ के साफ कर, देख का रही हो? पाना है अगर मंजिल, दिन
रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना। बना लो अपने खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, किसके रोके रुक